हमारे साथ जितेश जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो सवाल बताइए अपना। मैम, मुझे है ना ये मुंह पे दाग हो रही है। बहुत इलाज करवा लिया, दाद नहीं जा रही। हाँ दाग, मुंह पे दाग। ठीक है। हाँ देखिए, जो बच्चे बड़े जिनके झाइयाँ हो जाती हैं चेहरे पर, काली काली निशानात, मुहासे या उनके निशानात हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि गौन मोरिंगा ले लें, असली वाला। ये नकली बहुत मिलता है। और आधा ग्राम पानी में डालकर रोज़ाना पी लिया करें, इससे ये आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो देखिए, बहुत छोटा सा आपको नुस्खा यहाँ पे बता दिया गया है, बस वो आपको अपनाना है अगर आपको अपनी परेशानी दूर करनी है, या फिर अब आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है तो घर में ही आपको ये सारे के सारे नुस्खे बनाने हैं और कहीं और भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल करिए आप अपना। जी सर, हमें बारह में जुकाम रहता है, उसकी कोई नुस्खा है? 12 महीने जुकाम रहता है। हाँ देखिए, बहुत पुराना है तो वो भी ठीक हो सकता है। और जुकाम वाले, नज़ले वाले इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में आ सकते हैं अगर उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। और घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ और दवा भी बताता हूँ आपको। देखिए, ये इम्यूनिटी की कमी की वजह से हमें हर वक्त नज़ला या खांसी या कफ आना, छींक आना, ये सब रहता है। जब तक इंसान में इम्यूनिटी की कमी यानी रोग प्रतिरोधक जो ताकत है, क्षमता है, वो कम होने से हमें ऐसा होता है। और जब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती, हम ऐसे ही रहते हैं। वक्ती तौर पर हम जो इलाज करते हैं वो एक दो दिन के लिए वो शांत कर देती, फिर वही शुरू हो जाता है। क्योंकि आपका मिजाज ठंडा होता है, यानी आप ठंडी प्रवृत्ति के स्वामी होते हैं। तो घरेलू नुस्खे के तौर पर आप ले सकते हैं लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी। फिर बोलता हूँ, आप लिख लें, लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम इसमें पीपलें डालिए जो आपके किचन में मौजूद रहती हैं। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। और दवा की ज़रूरत हो तो आपको माजून आर केयर खानी चाहिए सुबह शाम, खाली पेट और रात को सोते समय। और कम से कम 5-6 महीने इलाज करें तो आपका ठीक होना मुमकिन है। तेजना दास झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका। आदाब डॉक्टर साहब। आदाब हाँ सर, जी आदाब। सर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 76 बरस है। अच्छा, तो मेरा सर और क्या आर्थराइटिस से मैं ग्रस्त हूँ आज करीब करीब 20 साल से। ठीक है। दोनों पैर में दर्द है, सूजन बना रहता है सर। कल मैं आपका टीवी पर प्रोग्राम देखे थे तो हमको बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिन से देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो राखी लेके अभी चलते हैं सर, घर से निकलना है नहीं रहे हैं, और बहुत दर्द करता है पैर में, और बहुत डॉक्टर को दिखाए, एलोपैथी होम्योपैथी सब राजी भी खाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। और देखिए यशोदास जी, आप जो हैं बहुत इत्मीनान रखें, एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको। और मेरी उम्मीद है कि आपकी लाठी ये 5-6 महीने में छूट जाएगी। ऐसे बहुत लोग हैं जो इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। देखिए, आपके घर में या बाज़ार में तो मिलती है, एक चीज़ मिलती है अलसी। अलसी को ले लीजिए, 500 ग्राम अलसी खरीद कर, और इसको थोड़ा सा भून कर पाउडर बना लें। ये आसान काम है। और इसमें 100 ग्राम गौन मोरिंगा मिला दें, वो सॉरी, इसमें 100 ग्राम गौंद स्याह मिला दें। एक काला गौंद आता है जो मुश्किल से मिलता है और नकली भी बहुत मिलता है, उसको असली लेना है।
ये देखने में ब्राउन और कहने में काला, हम लोग इसे गौंद सियाह कहते हैं या काला गौंद कहते हैं, और जायके में बहुत कड़वा होता है। ये असली लेना है, 100 ग्राम इसका भी पाउडर बनाकर आप अलसी में मिला दें, और इनका मिश्रण जो है आपको 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम खाने के बाद लेना है, और आप देखेंगे कि ये मिश्रण ख़त्म होते होते आपकी लाठी आपके हाथ से छूट सकती है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राहुल एमपी से हमारे साथ, स्वागत है राहुल जी। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। मैम शुगर की, मेरी दादी को क्या शुगर हो रही है? कब से शुगर? अभी हो गया मैम करीबन 1 साल। 1 साल जी। कितनी एज है आपकी शुगर वालों? दादी की है 65 साल। अच्छा, दादी को शुगर हुई है? ठीक है भाई, आप दादी का ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। और देखिए, शुगर दादी को हो या नानी को हो, शुगर सबके साथ एक बिहेव करती है, और आपको ना हो, आपकी पत्नी को ना हो, आपके परिवार को ना हो, 50 साल के आसपास ही शुगर होना शुरू हो जाती है आम तौर पर। तो एक सिरका आता है जिसे कहते हैं जैतून का सिरका, जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को दादी को पानी में मिलाकर पिलवा दिया करें, बहुत फ़ायदे में रहेंगी और सेहत उनकी अच्छी रहेगी, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। और जो लोग ये चाहते हैं कि उनको शुगर ना हो, तो वो भी कभी कभी इसको पी लिया करें, 2-3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर ही पिलाइए, क्योंकि काफ़ी तेज़ सिरका होता है ये, आप भी ले सकते हैं कभी कभी, ताकि आप की हालत दादी जैसी ना हो। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं आगरा से हमारे साथ समरीन, स्वागत है आपका। जी मैम। हाँ जी बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, मुझे आंखों में दिक्कत है जी, मुझे दूर से कम दिखाई देता है, मैंने उसका चश्मा नहीं लगाया पर ठीक। जी 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 जी, आपकी उम्र क्या है? 15 या 16 होगी। कितनी? 15 या 16 जी। ठीक है, बहुत छोटी उम्र है आपकी और बहुत तकलीफ में आ गए। अच्छा, बड़ा आसान नुस्खा है, आप देखिए, एक गाजर का जूस रोज़ाना पिया करिए, और अपने चश्मे का नंबर याद रखिए, और फिर 5 महीने बाद आप अपना टेस्ट कराना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक गाजर का जूस रोज़ पिया करिए। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट कॉलर है एमपी से साहू हमारे साथ, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है शायद आपसे हमारा कांटेक्ट टूट गया, एक बार फिर से कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा दर्शकों, कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, तो आप 24 आवर्स कभी भी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी लाइव कार्यक्रम तो चल ही रहा है। अगर आप सीधे हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, नुस्खे आप लोग घरेलू जानना चाहते हैं, यूनानी आयुर्वेद से भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो ये मंच आप सभी का स्वागत करता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइव कार्यक्रम में हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, शिकायत जब आप लोग करते हैं कि लाइव हकीम साहब नहीं जुड़ते हैं, आप उनसे बात करा दीजिए, तो आपकी वो शिकायत अब दूर हो रही है दर्शकों, आप लोग बात कीजिए उनसे, घरेलू नुस्खे जानिए, लेकिन कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, जिससे कि आप हर एक बात अच्छे से सुन पाए, जान पाए, क्योंकि नुस्खे बहुत कीमती होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, जो आपके हर एक रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर है संजय हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा क्या पेट साफ नहीं होता, तुरंत खाना पड़ता है और उसके बाद मेरे आंखों की सूजन रहती है, ये एक समस्या है मुझे। जी, क्या उम्र है आपकी सज्जय साहब? 53। ठीक है, हाँ देखिए, ये उम्र में ये परेशानी आती है, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, इसके भी आँखों के नीचे सूजन होती है
उसको ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, और कब्ज़ के मरीज़ को भी ब्लड प्रेशर रहने लगता है। अच्छा, बड़ा अच्छा नुस्खा एक है, आप खुद बना लें, खुद इस्तेमाल करें। देखिए, अलसी 500 ग्राम, अलसी 500 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और इसमें मिलाइए कलौंजी का नमक, कहते हैं आसान ज़बान में कलौंजी का एस्टेक इंग्लिश में कहते हैं, और रसायन कलौंजी का हिंदी में कहते हैं। ये मिल जाए असली तो इसमें 100-150 ग्राम मिलाकर इसका पाउडर बनाएं, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, खाने से पहले खाना बेहतर है, खाएंगे तो आपकी दोनों समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं एमपी से, अंजना हमारे साथ, स्वागत है अंजना। जी बोलिए, सवाल। हाँ हाँ, नमस्कार, नमस्कार बोलती हूँ, हकीम साहब से बात ही करनी थी। जी, मैं सुन रहा हूँ। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बैंड को दवाई दे रहे थे आपके हार्ट के लिए, जो घर में बनाई थी विनेगर वाली, जैसमिन विनेगर वाली, उसका बहुत फायदा है। और दूसरी बात, मैं चियागोन का नाम, पेड़ का नाम जानना चाहती हूँ एक बात। दूसरी बात, मेरे बेटा दांत बहुत खिटखिटाता है हकीम साहब, और उसकी उम्र हो रही है 20 साल करीब, इसमें आवाज आती है कि आप बगल में बैठ के सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, पहले आप नुस्खा बताइए ज़ोर से, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है कि आपने क्या नुस्खा दिया अपने पति को, जो फ़ायदा हुआ जो मैंने आपको बताया था, ताकि लोग उसे इस्तेमाल करके अपने पति पत्नी और परिवार की हिफाजत कर सकें। आप हैं लाइन पर? शायद आपका लाइन कट गई, आप सुन लीजिए, कभी दोबारा आप जुड़ेंगे तो मैं आपके मुंह से सुनवाऊंगा लोगों को। लाइन पे हैं हकीम साहब अभी। अच्छा, आप जोर से बताइए वो नुस्खा जो आपने बताया था, ताकि सब लोग फायदा उठा सके। लहसुन का जूस लिया था। हाँ। अदरक का जूस लिया था। जी। नींबू का रस लिया था, और जैतून का छिड़का मिलाया था। कितना कितना? बराबर मात्रा लिया था हकीम साहब, एक एक लीटर। जी, अभी कुछ नहीं, 10-12 दिन हुए हैं, लेकिन उससे ही इतना फायदा हो गया, बहुत फायदा है। वो पहले जरा भी चलते थे तो सांस फूलती थी, अब तो वो 6-6 किलोमीटर चल लेते और उन्हें ऐसा लगता है चलते चले जाए। और बहुत धन्यवाद आपका बताने का, और लोग ना फीडबैक कॉल कम करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक दिया। ये सब के लिए है, जो भी लोग 40-45 साल के ज़्यादा के हैं उन्हें ये नुस्खा ज़रूर लेना चाहिए, अगर वो चाहें कि उनको दिल की परेशानी ना हो, हार्ट ब्लॉकेज ना हो, और ब्लड प्रेशर ना हो, फालिज ना हो। और ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। ये मैम ने अभी शुरू ही किया है कि उनके पति चलने लगे 6 किलोमीटर, जो चल नहीं पाते थे। और आपका सवाल यह है कि गौंसिया क्या होता है? गौंसिया एक पेड़ का गौंद है, जो पेड़ काले रंग का होता है, और इसका गौंद भी काला होता है, इसे आबनूस का पेड़ कहते हैं, अच्छा, इसकी अभी तो चलन बहुत कम हो गया, किसी ज़माने में इसकी बांसुरी बनती थी, बांसुरी काली सी होती थी, आपने देखा होगा, उस ज़माने में मेटल नहीं होता था, अब तो सब कुछ मेटल का बनने लगा। तो ये देखने में बड़ा बदसूरत है, काला कहते हैं इसे, अब काला तो कोई, मैं काला भी हूँ तो मुझे कोई काला कहते तो बुरा लगेगा, लेकिन इसे गौंद काला या गौंद सियाह कहते हैं। इसकी कड़वाहट बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये कड़वाहट जो है इसने पूरे भारत में हंगामा किया हुआ है, क्योंकि आधा ग्राम खाने से, सुबह शाम आधा आधा ग्राम खाने से, कैसा भी जोड़ों का दर्द हो उससे निजात मिल सकती है। जी।